सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरजिंदर सिंह पंगू ते मेरे नाल मौजूद ने जोगा सिंह चापड़ा। बाई जी स्वागत है थोड़ा। बहुत मेहरबानी पंगू साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी फतेह। दोस्तों, श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां दी चर्चा, लंबे समय तो श्रोमणी कमेटी चोणां अटकियां होईआं ने, हो नहीं रहीआं, किन्ने ही साल हो गए। हुण एक बार फिर चर्चा छिड़ी हुई है कि जिहड़ी श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां ने, इन्ने क समय दे विच इह हो जाणगीआं। वोटां बनाउण दी जिहड़ी प्रक्रिया विधि है उह शुरू हो चुकी है। जोगा सिंह चापड़ पंथक अकाली लहर दे विच मुख सफां दे विच विचरदे ने लगातार, ते लम्मा समा इन्हां नूं वी हो गया श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां उडीकदिआं नूं। हुण जिस तरीके की प्रक्रिया अगे वध रही है श्रोमणी कमेटी दे इलैक्शन नूं लैके, उहदे ते ही गल करांगे कि की कुछ इहदे च हो सकदा, कि पंथक अकाली लहर वी पार्टीसिपेट करूगी इन्हां चोणां दे विच, जां होर धिरां ने जिहड़ियां तमाम ऑल ओवर, जेकर आपां इस पंथक पॉलिटिक्स की गल करिए, क्योंकि श्रोमणी कमेटी सिखां दी इक इहो जी संस्था जिथों सिख कौम की एक तुसीं कह सकते हो कि शुरुआत हुंदी है। शुरुआत उस तरीके नाल नहीं, जे अज दे समें दी सिख सियासत की मैं गल करां तां श्रोमणी कमेटी सिख सियासत का एक मुख धुरा। चापड़ साहब साढ़े नाल ने। चापड़ साहब, थोनू भी लंबा समा हो गया उडीकद्या नूं कि श्रोमणी कमेटी दीआं जिहड़ियां चोणां ने, आह चोणां पंजाब दे विच होण, पंजाब दे विच हुण आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहिंदे ने कि इन्ने के समय दे विच जिहड़ियां चोणां ने, चोणां उह हो जाणगीआं इस महीने दे विच, आह विधि रहेगी, तो वोटां बनाउण दी जिहड़ी प्रक्रिया, उह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सो की सरगर्मी है तुहाडी? पंगू साहब, तुसीं बड़ा वधिया विशा लिया, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी को वाहद जथेबंदी है, जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस दिन तो होंद विच आई सी, उस दिन तो लैके अज तक जिन्हें भी गुरु साहबाना दे, साडे गुरु नानक देव जी तो लैके सारे गुरु साहबाना दे जिहड़े गुरुधाम है, गुरुद्वारा साहबान है, उन्हां दी जिहड़ी देखभाल है, सेवा संभाल है, वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है। पहलां तां इह मतलब जिहड़े दिन दी इह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है, उस तो पहला तो यह वक्खो वक्खरे ढंग दे नाल इन्हां दी सेवा संभाल हुंदी थी, लेकिन फिर सारा तुहानूं पता है कि कदों यह एक्ट बनिया, कदों की होया, वह लंबा विषय आपां सारयां नूं पता है। लेकिन पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जिहड़े प्रधान बनते सी, अहुदेदार बनते सी, उह रंगीआं रूहां वाले हुंदे सीगे, गुरसिखी दे विच प्रणाए हुंदे सी, ते उहनां दा इक्को इक मनोरथ हुंदा सी कि असी गुरुधामां की सेवा करनी है, तो गुरु साहबाना के जिन्हें भी गुरद्वारा साहबान है उन्हां दी वध तो वध सेवा करके संगत दे लई उत्थे चंगे योग प्रबंध करने हैं। लेकिन मैं इहदे विच भी कोई अतकथनी नहीं कह सकदा है, लेकिन बहुत बंदे दे नाल सहमत हन जां नहीं सहमत, जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा तक काफ़ी मतलब वधिया ढंग दे नाल कोई सिक्खी सोच वाले बंदे जुड़े रहे, बहुत सारे तो उदों भी थोड़ा जा गलबा जा मिलगोबा जा हो गया सी, लेकिन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा का एक यतन हुंदा सी कि जिहड़ा गुरसिखी दी फुलवाड़ी है वो वधदी फुलदी रहे, उन्हां दे यतना सदका पूरे भारत दे विच इक्को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रही। लेकिन अज दे जिहड़े हालात हैं जी, वह हैं कि बादलों के लाने करके, बादलों के टोला जिहड़ा है उन्हां दा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे उत्ते पूर्ण तौर पर कब्जा होने करके हुण लोकां दे विच इक अजिहा हालात बन चुके हैं कि लोग चाहुंदे हैं कि एक नवी अजिही नवेकली धिर आवे जिहड़ी गुरसिखी दे सिधांतां नूं फॉलो करे, तो वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रबंध संभाले, जिहदे लई लंबे समय तो यह यतन हो रहे सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं जिहड़ियां चोणां उह होण, ते उहनां यतनां सदका उहदे लई सब तो वड्डा रोल सिंह साहिब भाई रणजीत सिंह जी वल्लों पंथ अकाली लहर बना के, जिहदे कि असीं दसदा सी मुढ़ले मैंबर हैं साडे नां दे उत्ते पंथ अकाली लहर रजिस्टर्ड है, सिंह साहिब भाई रणजीत सिंह जी उन्होंने बना के मतलब शुरू किया सी, ते उस तो बाद एक काफला वधदा गया, हौली हौली इस काफले ने वड्डा रूप धारिया, ते पंजाब दा कोई अजिहा पिंड नहीं, कोई अजिहा घर नहीं जिथे सिंह साहिब भाई रणजीत सिंह वल्लों साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी वल्लों अजिहा किहड़ा घपला है जिहड़ा पिछले लंबे समय तो श्रोमणी कमेटी दे विच बादलों के लाने ने किया, ते सिंह साहिब ने वह नंगा किया। सो अज पंजाब दे हर पिंड हर कोने दे विच भाई रणजीत सिंह जी वल्लों जिहड़े मतलब
पिछले समय के कालियां करतूतां श्रोमणी कमेटी के घपले किए हैं, उन्हां वल्लों नंगे किए गए हैं, तो लोगों को सारिया गल्लां चलिया गई। सो हुण वह सारिया गल्लां पंथ अकाली लहर भी लैके जा रही थी भाई रणजीत सिंह जी की अगवाई के थले, तो साडा भी यतन सी पंथ अकाली लहर का कि इलैक्शन जल्दी तो जल्दी होण, तो होर भी सारिया पंथक धिर बहुत सारिया लगिया हुई सीगियां, तो उन्होंने सारिया पंथक धिर के कारण ज पंथ अकाली लहर के कारण सरकार नूं ये मजबूर होना पिया कि सरकार वल्लों 21 तरीक तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी जिहड़ियां वोटां है वोटां बनाउण दा काम शुरू है, तो 15 नवंबर तक यह काम जारी रहेगा। लेकिन मैं इहदे विच ही एक बेनती सरकार नूं भी करनी चाहुंदा कि हुण जिहड़ियां वोटां इह ज़्यादातर पेंडू खेत्रां दे विच बणनियां, तो जिन्हां इह तबके दीआं वोटां बणनियां इह सारा ही खेतीबाड़ी दे नाल संबंधित है। सो मैं बेनती जरूर करांगा सरकार नूं कि तुसीं ये वोटां बनाउण दा काम भी थोड़ा जिहा वधाओ, क्योंकि हुण सारे ही लोग खेतीबाड़ी नाल संबंधित होण करके कोई जीरी दी वढ़ाई कर रहा है, कोई कणक दी बिजाई कर रहा है। सो ये भी मैं तुहाडे इस सवाल दे विच ही सरकार नूं भी बेनती करदा। जिवें तुसीं जिक्र कीता कि पंथक अकाली लहर दा जिहड़ा मुख ते प्रमुख एजेंडा उह हैगा कि श्रोमणी कमेटी नूं आजाद करवाउणा, पर हुण भी जिहड़े मौजूदा श्रोमणी कमेटी दे मैंबर ने उह भी तां लोकां द्वारा ही चुणे गए ने। थोड़ा ये बड़ा वड्डा सवाल है, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े मौजूदा मैंबर हैं, जदों पिछलियां श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां हुंदियां सी उदों तकरीबन ज़्यादातर सरकार भी अकाली दल बादल दी हुंदी सी, ते उदों वोटां भी श्रोमणी अकाली दल बादल वल्लों बणाईआं जांदियां सी, सरकार भी उहनां दी हुंदी सी। फिर पिछली दफ़ा की हुंदा सी कि जिहड़े अपना इस वार तां जिहड़ी वोट बण रही है वह केसाधारी की बन रही है, जिन्होंने दाढ़ी केस रखे हुए हैं उन्होंने बन रही है, लेकिन पिछली बारी जिन्नी भी वोटा बनिया ये जो केस भी अपना गया सीगा सुप्रीम कोर्ट तक गया सीगा, सो इस बार जिहड़ी वोट है उन्हां लोकां दी ही पएगी, उन्हां गुरसिखां दी पएगी जिहड़े पूर्ण तौर पर सिक्खी देर विच प्रणाए हुए हैं। लेकिन पिछली बारी जिन्नियां वोटा बनाईया, मैं बड़े हल्कों का जिक्र करांगा, खास करके लंबी का ला लो, उधर बठिंडे जिले का जिथे बादलों का ज़्यादा राज रहा है, उधर वोटा भी चक चक के बाहरले ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਫਲਸਫਾ, ਇਹੀ ਮਨਸੂਬਾ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਨਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜੇ, ਜੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੜੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚੱਪੜ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲੀ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜੰਡ ਮੰਗੌਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, 30 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਡ ਮੰਗੌਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਲੱਖ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ।
इस तरह निम साहब गुरद्वारा साहब है, इस तरह इधर तुसी जाओगे अपना कड़ाम है, इस तरह अगे है, जिन्हें भी सनौर हल्के दे जां इधर राजपुरे हल्के दे जिहड़े नेड़े नेड़े पटियाले जिले दे विच है, तुसी मैनूं दसो अज तक गुरद्वारा साहिबाना दे विच किते कोई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किते लैब खोलण दा यतन किया गया है जिथे गरीबां दे टैसट होण, जां किते टकसाल कोई अजिही संथिया देण दा यतन किया गया होवे। तुहाडे सामने है, संगत जवाबदेह है, संगत कोल सारा कुछ ऑनलाइन है, जां जिहड़े गुरद्वारा साहिबाना दे विच ग्रंथी है, ये बहुत बड़ा इशू है। देखो अज साढ़े धर्म के की प्रॉब्लम आ रही है, ये सानू चकना पेगा। अज बाकी धर्म वाले मतलब ईसाई धर्म का क्यों प्रचार ज वाधा हो रहा है, वह अपने धर्म की गल करते हैं, अपने धर्म के बच्चों कोलों फीस दे के पढ़ाने हैं। तुसीं ये दसो सनौर हल्के दे विच कोई अजिहा श्रोमणी कमेटी ने स्कूल खोलिया कि साढ़े जिहड़े ग्रंथी पिंडां दे विच ड्यूटियां दिंदे आ उहनां दे बच्चों लई, जां जिहड़ा सिक्खी दे विच आवेगा, जां जिहड़ा केस रखेगा, जिहड़ा गुरसिक्खी लैण दे उत्ते आवेगा, उहनां दे बच्चों दे लई असीं फ्री एजुकेशन देवांगे। कोई अजिहा है नहीं। डिवेलपमेंट की गल तो चलो सरकार ने करनी, असी घट्टो घट सिक्खी बारे तो सोचिए जी। जी की चपड़ साहब, पंथक अकाली लहर श्रोमणी कमेटी दी चोणां लड़ूगी, की जोगा सिंह चपड़ श्रोमणी कमेटी की चोण लड़नगे? बिल्कुल जी, मैं जे पंथ अकाली लहर तो बाकी तेरह सारिया मैनों हुक्म करनगियां तो मैं जरूर चोण लड़ांगा। और मैं महसूस करदा कि मैं पिछले समय के पंथक कार्यां दे विच जिन्ना को हो सकिया मेरे तो वध योगदान पाया गया। इहदे विच कोई दो रामा भी नहीं, मैं कही जावां जी देखांगे करांगे, जिहड़ी गल स्पष्ट होनी चाहिए और स्पष्ट कर देनी चाहिए है। दूजी गल यह है कि जे संगत ने साथ दिता और संगत दे मन दे विच यह है कि जे मैं बनिया तो मेरे मन दे विच तीन चार गल्लां, वो ये है कि मैं इलाके दे विच संगत दे जिहड़े पैसे गुरु की गोलक दे विच जाने हैं उन्हां दे जरिए लैब वगैरह खोलियां जाण, गरीबां दा जिहड़े टैस्ट फ्री होण, ये साडा सारिआं तों पहला कदम, क्योंकि सरकारां दे हालात ये हैं। मतलब ये भी तो एक मिनी खालसे की सरकार है ना जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मैं समझदा कि जिन्हें भी साढ़े ग्रंथी सिंह है, ग्रंथी सिंघां नूं अज पिंडां दीआं कमेटियां 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार तनखाह दिंदियां हैं, सो उन्हां दी भी तनखाह बारे भी कोई मुकर्र फैसले किए जाण कि उन्हां नूं इन्नी क तनखाह मिलनी चाहीदी है। सो दूजी गल मैं ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਘਪਲੇ ਮੈਂ ਗਣਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਪਲੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ, ਆਹ ਨਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰੂਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ
पिछे हटने की लोड़ पई तो जोगा सिंह चापड़ नूं इस वास्ते भी कुरबानी करने विच कोई उन्हें कुरबानी भी नहीं जी तो गुरु साहब के पहरेदारी की लड़ाई है गुरु साहब के पंथक हितों की लड़ाई है तो मैनू ये खुशी होएगी कि पूरे पंजाब दे विच सारिया धिर जे पंथक एका कर दियां होण तां सारे तो पहला मैं अपनी सीट तो चोण नहीं लड़ांगा मेरी सीट वास्ते जे कितें पंथक एके की लोड़ हुई तो मैं ये कोई गुरेज नहीं होएगा क्योंकि आपां तां पंथ की लड़ाई लड़नी कि चपड़ साहब ये राजनीतिक समझौते भी होणगे तुसीं कहा कि धर्म उपर रखना राजनीति थले रखनी है कि फिर राज एकता की गल की कि पंथक एकता हो कि राजनीतिक एकता भी हो सकती है क्योंकि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार है वह ही चाहूँगे कितना कि कोई इदा की बॉडी जो उन्हां वल्लों इलैक्शन लड़ना कांग्रेस हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पहलां दी अपनी स्टेटमेंट सी जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस दे विच हुंदे सी श्रोमणी अकाली दल भी यह चोणा लड़ूगा इस तों अलावा सिमरजीत सिंह मान होरां दा भी ग्रुप हैगा पोलीटिकल वह खुद एम पी ने संगरूर तों कि धर्म की लड़ाई दे विच सियासी समझौते हो सकते ने ते होणगे मेरे कहण दा भाव गुरजिंदर सिंह जी ये है कि सानू पंजवें पातशाह ने शांति दा केंद्र धार्मिकता दा केंद्र श्री दरबार साहब दिता है लेकिन छेवें पातशाह ने सानू श्री अकाल तख्त साहब दिता है जिथे पूरे दुनिया दे विच बैठा सिख अपने राजनीतिक तौर पर असी किवें परिपक्व होइए असी उत्थे बैठ के अपने सलाह मशवरे कर सकते हैं श्री अकाल तख्त साहब का जथेदार जदों पूरी कौम नूं हुक्म लाउंदा है तां असी उहदे नाल बज्झे होए हैं उहनां दे हुक्म नाल बज्झे होए हैं भावें असी अज श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जिहड़े पिछले समयां च होए सौदे साधी माफ़ी तो लैके होर सारियां गल्लां बादलों के अनुकूल चलते रहे हैं लड़ाई साड़ी ये है श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म के थले सारे सिख बज्झे हुए हैं चलना है मेरे कहने का भाव यह है कि असी जिहड़ा पिछले समय के श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते बैठे हुए जथेदारां तो हुक्म लवाए गए वो सारे हुक्मां की तमील मतलब किवें किवें हुक्म लगते सी तलवंडी साहब के जथेदार साहब ने सारा अपने इंटरव्यू के दस्या कि किवें सानू बुलाया जाता सी किवें सा तो कहाया जाता सी साड़ी मेरे कहण दा भाव है कि असी उस धार्मिक गल नूं सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी दे मन च है कि असी वो धार्मिक बॉडी नूं उत्ते रखीए श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म नूं उत्ते रखीए पूरा सिख श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म नूं मन्ने लेकिन हुक्म अजिहा होवे जिहड़ा कि किसे दे अधीन ना होवे केवल श्री अकाल तख्त साहब का हुक्म होवे राजनीतिक तौर पर सिख मजबूत होवे जेकर सिख राजनीति नहीं करेगा तो सिख किदे वल देखेगा सिख नूं राजनीति च परिपक्व होना पवेगा अज पंजाब तीन तख्तां दी धरती है श्री आनंदपुर साहब श्री अकाल तख्त साहब श्री तलवंडी साहब वो तीन तख्तों की धरती का पंजाब अज करप्ट राजनीतिक लोगों ने कैंसर का मतलब केंद्र बनाता अज तीन तख्तों की धरती का पंजाब इतों पंजाब के गभरू तो फॉरन जा रहे हैं लेकिन दूजे सूबे के लोग पंजाब जा रहे हैं ये बहुत वड्डी मतलब सोचण वाली गल है कि अज गुरुआ पीर की धरती पंजाब है जिहड़ी इत्थे आने वाले समय के दसो तुसीं साडे जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ हैं जां रौला हैं जां गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दियां जिहड़ियां होर उहनां दे उह हैं वो असी किहड़े साडे नौजवान करनगे जदों साडे नौजवान इत्थे रहे नहीं साडे श्री अकाल तख्त साहब जां होर तख्तां दे उत्ते कौन लोग सेवा करनगे जी बिल्कुल जे आपां अपने फ्यूचर बारे ना ध्यान दिता 50 साल 100 साल अगे बारे ना ध्यान दिता तो यह सारा कुछ साडा फर्ज बनता है जी सो मैं ये महसूस करदा हाँ भाई रणजीत सिंह जी जां साडी सारी पंथकाली लहर की टीम महसूस करती है कि असी आने वाला 100 साल 200 साल देख के साडा ज फर्ज बन जाता है कि असी एक एक वोट बनाइए तुहाडे हलके तो जिहड़ा भी उम्मीदवार बादलों का विरोधी उम्मीदवार तुहानू दवांगे उहदे नाल डट के खड़ीए तन मन धन दे नाल उहदी पहरेदारी करिए उहनां नूं वोटां पवाइए ते बाकियां नूं भी तुसीं देख लिया घट्टो घट एक बार इस बार तुसीं कोई जिहड़ा कोई पंथक एके दा कोई होर नवां उम्मीदवार इस बार तुहाडे कोल आएगा उहदी मदद भी करी जावे जी बिल्कुल ओह चपड़ साहब शुक्रिया तुहाडा तुसीं जानकारी सांझी कीती ते इक ऐलान भी कीता कि तुहाडा संगठन पंथक अकाली लहर ते तुसीं खुद जेकर तुहाडी ड्यूटी लगदी है तुसीं कहा तुसीं भी श्रोमणी कमेटी की इलैक्शन लड़ोगे सारी जानकारी भी सांझी कीती तुसीं बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा बहुत मेहरबानी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह फतेह
ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚਾਪੜਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਜਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ SS ਸਾਰੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ 23 ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲਏਗਾ।